1980 में आई ऋषि कपूर स्टारर फिल्म कर्ज सुभाष घई के निर्देशन में बनी बेहतरीन फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म के पहले हाफ में यानी ऋषि कपूर से पहले एक्टर राज किरण का रोल भी फिल्म की भूमिका तैयार करने में सबसे अहम माना गया। राज किरण ने 30 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। 1982 में स्मिता पाटिल और शबाना आजमी स्टारर मूवी अर्थ में उनके काम को सराहा गया। उन्होंने 1988 में एक नया रिश्ता में रेखा के साथ भी काम किया। लेकिन क्या आपको पता है आज ये एक्टर कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, अगर नहीं जानते तो जानने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों ये एक्टर एक पागल खाने में है जो इलाज के पैसे भी वहाँ काम करके चुका रहा है। जी हाँ दोस्तों, राज किरण करीब 14 साल से लापता है। आखिर उन्हें 1994 में एक मूवी वारिस और शेखर सुमन के एक सीरियल रिपोर्टर में देखा गया था, जिसके बाद साल 2003 में राज किरण लापता हो गए। लेकिन हाल ही में पता चला है कि बॉलीवुड का ये मशहूर एक्टर एक पागल खाने में है और अपने इलाज के लिए पागल खाने में ही काम करके फीस चुका रहा है। ये हम नहीं बल्कि कुछ साल पहले ऋषि कपूर ने ये बात बताई थी जो फिल्म कर्ज में उनके साथ काम कर चुके हैं। ऋषि कपूर ने बताया कि राज को मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया है। राज अपने इलाज का खर्च खुद उठाते हैं, इसके लिए वे हॉस्पिटल में ही काम करते हैं। हालांकि उनका परिवार हमेशा इस बात से इनकार करता रहा है, लेकिन कहा जाता है कि फिल्में छोड़ने के बाद भी राज के पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन डिप्रेशन का इलाज कराते कराते सारा पैसा खत्म हो गया। ऐसे आरोप हैं कि जब राज किरण की हालत बिगड़ने लगी तो पत्नी रूपा मेहतानी और बेटी ऋषिका ने उन्हें छोड़ दिया। तो दोस्तों आपको राज किरण की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर उस फिल्म का नाम बताइए। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।